जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा फिलहाल हिसार के नगोरी गेट पर मौजूद हूँ। इतनी बढ़िया अगर देख दृश्य देखने को मिलेगा पुलिस प्रशासन की तरफ से, आप सबको देख सकते हैं। फिलहाल पहले तो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, जो अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से बखूबी तौर से निभाते हुए नजर आ रहे सभी लोग। और साथ ही देख सकते हैं सामने के DSP अशोक कुमार जी, आज गुरु और शिष्य के जो पावन दिन है उसके चलते हुए आज के दिन खुद सड़क पर रोडों पर उतरे हैं, और जितने भी यहाँ से लोग दुकानदार आने जाने वाले लोग हैं उनको संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, कैसे आपको सूझा कि आज गुरु शिष्य के इतने पावन दिन के ऊपर आप खुद उतरते लोगों को संदेश दे रहे हैं? देखिए, यह हरियाणा सरकार की तरफ, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक मैसेज है कि शिक्षक दिवस के ऊपर एक लोगों में एक क्या नाम है, एक मैसेज दिया जाए कि हर आदमी शिक्षक है। वो अपने रूप में एक शिक्षक, शिक्षा देने का एक तरीका किसी भी रूप में हो सकता है। ये खाली काम ना तो सरकार का है, ना पुलिस का है, और ना ही शिक्षक वर्ग का है। कोई भी आदमी अपने आसपास किसी भी रूप में किसी भी बुराई को देखता है, चाहे वो सामाजिक रूप से चाहे कानून रूप से, उसके बारे में वो जागरूक आम जनता को, बच्चों को अवेयर कर सकता है, जागरूक कर सकता है। जैसे बिजली पानी की वेस्टेज का है, नशे के बारे में है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में है, और भी बहुत सारी बातें समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनके बारे में आम आदमी भी, बच्चों को है, आम आदमी को शिक्षित कर सकता है। हमारा मैसेज सिर्फ ये है सर। एक छोटा सा संदेश युवाओं को क्या देंगे कि युवा आजकल अपराध की दुनिया ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर नशे की तरफ ज़्यादा खींचते जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप उनको? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि युवा जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, अगर वो टूट गई तो देश खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को जो मुझे सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये मैसेज है कि वो नशे से दूर रहें। नशा बहुत बुरी बीमारी है, आपके घर को बर्बाद कर देगी, आपके शरीर को बर्बाद कर देगी, आपके जीवन को तबाह कर देगी। नशे को, इससे आप कोशिश दूर रहें जी। शिक्षक का नहीं, हर आदमी का, हर व्यक्ति का है। हर व्यक्ति की एक जिम्मेवारी बन जाती है कि समाज को जागरूक करे, हर व्यक्ति करे, बच्चों करे। समाज में फैली जो नशे के रूप में जो बीमारी है उसको लेके है, महिलाओं के सम्मान को लेके है, कोविड को लेके है, ट्रैफिक रूल्स को लेके है, पानी और बिजली को बचाने को लेके है। जब भी आप अपने समाज में, अपने आसपास कोई भी सामाजिक रूप से या कानून से किसी बुराई को देखते हैं, तो आप सबकी एक ड्यूटी बन जाती है कि उस बुराई के बारे में आप समाज में सामाजिक व्यक्तियों को, बच्चों को है, बूढ़ों को, जवानों को है, अवेयर करें, जागरूक करें कि ये सामाजिक बुराई है, इससे आप दूर रहें, नशे से दूर रहें, बिजली पानी का सदुपयोग करें, महिलाओं का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। ये आज एक मैसेज है ताकि हर आदमी अपने आसपास फैली हुई जो भी बुराई को देखता है उसके बारे में वो आम आदमी, बच्चों को अपना जागरूक करें। यही आज एक मैसेज था, क्योंकि आप ही आगे जाके अपना जब भी कभी ये देखें, जैसे सरकारी बिजली पे बोर्ड पे लाइट जल रही है, मैसेज है, आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको बंद किया जाए। सरकारी नल से पानी चल रहा है, नाजा जा रहा है, आपकी ड्यूटी बनती है उसके उसको बंद किया जाए। इसी तरह आपके आसपास कोई भी नशे का सौदागर है, नशे का जो काम कर रहा है, पी रहा है, बेच रहा है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको रोकिए। अब मैं ये नहीं कहता कि आप उसके साथ झगड़ा करेंगे, आप पुलिस को इसके बारे में सूचना दें, पुलिस अपना काम करें। ये एक मैसेज था सरकार की तरफ से जो कि हम आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोगों ने ध्यान से सुना, धन्यवाद आपको, थैंक यू। का भी यही कहना है कि गुरु दिवस के आज के दिन के पावन दिन के ऊपर आज ये खुद बतौर निकले हैं, लोगों को संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ नशे के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मानसू भाई, और आपकी तरफ से भी एक छोटा संदेश है। मानसू भाई भी अभी कह रहा था कि मानसु भाई भी पढ़ लिख कर इस मुकाम पर पहुंचा है, और साथ ही साथ मानसु भाई भी जितने भी युवा हमारी उम्र के देख रहे हैं, मानसू भाई की तरफ से भी यही संदेश है कि नशे से दूर रहें, समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट लिख के जरूरत है कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अगली खबर के साथ जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।